तो चलिए आज फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। नवरात्रि स्पेशल व्रत की खीर, ये साबूदाना खीर है, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए। यहाँ मैंने गैस पर एक पैन रख दिया था, अब इसमें 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे। और यहाँ मैंने कुछ काजू बादाम ले लिए हैं, 3 से 4 काजू है, 3 से 4 बादाम है, एक इलायची इस तरह से कट कर लिया है मैंने। अभी इस घी में ऐड कर देंगे और इन्हें हल्का सा भून लेंगे। ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना है हमें, हल्का ही भूनना है। और यहाँ मैंने आधा लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम दूध है ये, और मैंने इसे गर्म करके रख दिया था। तो अब ये दूध इसमें ऐड कर देना है और अब हमें दूध को 5 मिनट गाढ़ा होने तक पका लेंगे। और हाई फ्लेम पर पकाना है हमें, थोड़ा गाढ़ा हो जाए, आधा हो जाए दूध, तब तक पकाना है। और किनारे से मलाई निकालते हुए दूध में मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है, 2 घंटे के लिए इसे भिगो लिया था। अब ये साबूदाना ऐड कर लेंगे। यहाँ मैंने 1/2 कटोरी चीनी ली है, अब ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इन्हें हाई फ्लेम पर पकने देंगे और चलाते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से दूध भी गाढ़ा होने लगा है। और यहाँ मैंने कुछ केसर भी के धागे भी घोल लिए थे दूध में, ये भी इसमें ऐड कर देना है हमें। और 5 मिनट कंटिन्यू चलाते हुए पका लेना है। ये देखिए किनारे से दूध लगा हुआ निकालते जाएंगे, इसमें मिक्स करते जाएंगे। और इस तरह से पका लिया है, ये देखिए साबूदाना पक चुका है और खीर भी अब गाढ़ी होने लगी है। अब गैस कुछ पिस्ते के कतरन ले ली है, ये ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करिएगा। और ये हमारी साबूदाना खीर तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।